गुड मॉर्निंग. आई एम फ्रॉम लोकमान्य तिलक स्कूल, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 14 इन हिंदी लैंग्वेज. हिंदी लैंग्वेज में आज हम लोग पार्ट 14 शुरू कर रहे हैं. संबंध बोधक अव्यय प्रिपोजिशन. इंग्लिश में हम लोग इसको प्रिपोजिशन कहते हैं, हिंदी में संबंध बोधक अव्यय. संबंध बोधक अव्यय संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं. उदाहरण के लिए नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए. लाल किले पर तिरंगा लहरा रहा है. तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकूंगा. चंद्रशेखर आजाद अंत तक लड़ते रहे. घर के बाहर खड़ा है, कोई घर के बाहर खड़ा है. मेरे घर के निकट छोटा सा बाजार है. उपर्युक्त वाक्यों में पर, बिना, तक, के बाहर और के निकट शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट कर रहे हैं, अतः ये शब्द संबंध बोधक अव्यय हैं. याद रखें, ये देखिए सब संबंध. लाल किले पर तिरंगा का संबंध किससे है? लाल किले से. ठीक है, तुम्हारे बिना, ये कोई माँ अपने बच्चे के लिए कह सकती है. ठीक है, तो बिना, मैं, तुम्हारे क्या कौन हो गया, कोई भी बच्चे का नाम, मैं संबंध हुआ. घर के बाहर कोई और घर का संबंध हुआ. ठीक है, तो इस तरीके से ये शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध प्रकट संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट कर रहे हैं, अतः ये संबंध बोधक अव्यय हैं. याद रखें, संबंध बोधक अव्यय एक अविकारी शब्द है, क्योंकि लिंग, वचन और कारक का संबंध बोधक अव्यय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. देखिए, इसका लिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वचन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और कारक पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता. संबंध बोधक अव्यवों को यदि वाक्य से निकाल दिया जाए तो वाक्य बिखर जाता है, अर्थात इसके बिना वाक्य अपूर्ण व अर्थपूर्ण होंगे. जैसे धन डैश जीवन व्यर्थ है, छत डैश बंदर है, मेरे घर डैश स्कूल है, मेज डैश बिल्ली बैठी है. धन के बिना. गुड मॉर्निंग. छत के ऊपर, मेरे घर के सामने, मेज के ऊपर. देखिए, सब हो गया, अब संबंध वाक्य पूरा हो गया ना. संबंध बोधक अव्यय को निकाल दिया गया है. अब इन वाक्यों का अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा, अतः हम कह सकते हैं कि संबंध बोधक अव्यय संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं. संबंध बोधक अव्यय क्या है? संबंध बोधक अव्यय वे है जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं, जिससे वाक्य सार्थक हो जाता है. इसी से वाक्य सार्थक होता है, इसके बिना वाक्य अधूरा है. आओ अभ्यास करें. मेरे निम्नलिखित शब्द वाक्यों में से संबंध बोधक शब्दों को रेखांकित कीजिए. मेरे घर के पीछे एक पेड़ है, के पीछे. ठीक है, मैं समय पर पहुंचा परंतु गाड़ी लेट हो गई. हम भोजन के बिना. घर के बाहर चौकीदार खड़ा है. ठीक है, घर का संबंध चौकीदार से, भोजन के बिना, भोजन का संबंध हम सब से है. मैं समय पर पहुंचा परंतु गाड़ी लेट हो गई. मेरे घर के पीछे एक पेड़ है. ठीक है, ये सब क्या है? संबंध बोधक अव्यय वे अव्यय है जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध आपस में प्रकट करते, जिसके बिना वाक्य
पूर्ण नहीं होता है। ठीक है, अब कॉपी वर्क क्या है आपका? ये प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। संबंध बोधक अवयव किसे कहते हैं? वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य में आए हुए शब्दों से जोड़ता है उन्हें संबंध बोधक अवयव कहते हैं। कहते हैं लिख दीजिएगा, जैसे मेज पर बिल्ली बैठी है, राहुल घर के बाहर खड़ा है। ठीक है, इससे आपका ये वाला पार्ट भी समाप्त हो जाता है। संबंध बोधक अवयव किसे कहते हैं? संबंध बोधक अवयव संज्ञा सर्वनाम का संबंध। इनके बिना वाक्य अधूरा है, इनकम्प्लीट। ओके चिल्ड्रन, गुड डे। गुड डे।